नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। लोकसभा का सत्र कल तक था, लेकिन आज ही स्पीकर साहब ने उसको आखिरी दिन घोषित कर दिया और साथ में ये भी कहा कि बहुत बढ़िया सदन चला है, सदन में प्रोडक्टिविटी 74% रही है, 61 घंटे 50 मिनट का काम हुआ है, 18 विधायक पास हुए हैं विधेयक, और शून्यकाल में करीब करीब 182 चीजों पर डिस्कशन हुआ, 146 सदस्यों का निष्कासन, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट इस समय रही। लेकिन दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह का पैनल जब कुश्ती महासंघ के करीब करीब सभी सीटों पे वापस विजयी होके आए, तो साक्षी मलिक ने आज जबरिया संन्यास ले लिया। मैं जबरिया संन्यास ले कह रहा हूँ, जो संन्यास लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब ये सब हुआ तो उसका विश्वास सा उड़ गया। ये जो हो रहा है देश में, उसने कहा यदि ऐसा ही होना है और इन्हीं लोगों को यदि वापस आना है तो फिर हमारी लड़ाई हम हार गए ऐसा मानते हैं। ये साक्षी मलिक और बाकी महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर शोषण, शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। वो बीजेपी के नेता हैं, बाहुबली है, दाऊद से लेके तमाम लोगों के साथ उनके संबंधों की चर्चा है। जे हॉस्पिटल का जो शूटआउट था उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट उस समय बड़ा चर्चा में आया था। वो एजुकेशन में भी है, अंडरवर्ल्ड में भी है, वो राजनीति में भी है, वो कुश्ती में भी है, वो बेड पे है। जब उन्होंने आरोप लगाए तो दिल्ली पुलिस ने FIR डालने से मना कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शारीरिक शोषण होता है, FIR तक दर्ज नहीं होती। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, पुलिस उनके अंडर है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जब फटकारा दिल्ली पुलिस को तो उन्होंने FIR दर्ज की, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के फटकार पे FIR दर्ज होगी तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी और न्याय क्या देगी? बड़े धीरे केस चल रहा है, धाराएं ऐसी लगी कि जिसमें वो अरेस्ट भी नहीं हो सकते मुजरिम। चार्जशीट फाइल हुई है, देखो न्यायपालिका क्या कहते, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई जाएगी। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन में जो खेल मंत्रालय ने, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी हालत में बृजभूषण सिंह के आसपास वाले किसी भी लोगों को इसमें नहीं आने देंगे, लेकिन उन्हीं का पैनल आया और फिर बृजभूषण सिंह ने गले में हारों का जखीरा डाल के बैठे थे और मीडिया को बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी दबदबा था मेरा, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये दबदबा जो कहना, मानो कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन धमकी दे रहा था। जब किसी ने कहा कि आप ये किसके लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिसको संदेश देना था दे दिया। उस दबदबे के प्रेशर में साक्षी मलिक ने अपना खेल करियर पे आज पूर्ण विराम लगा दिया। ये होनहार बेटी जिसने रियो ओलंपिक में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिसने एशिया चैंपियन में 4 बार चैंपियनशिप जीती, उसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अलग अलग साल में लेने का गौरव प्राप्त किया, आज आंसुओं से रोते हुए कि मैं हार गई लड़ाई, आने वाले जो भविष्य है खिलाड़ियों का वो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें शारीरिक शोषण के लिए तैयार होना रहे पड़ेगा। ये इस सरकार के नाक के नीचे होता है और सरकार उस बाहुबली, उस गुंडे को इसलिए साथ देती है क्योंकि सरकार को राजनीति और लोकसभा की सीटें चाहिए। लेकिन आज जो मैं विश्लेषण करने वाला हूं, ये विश्लेषण एक ऐसे विषय का है जहां उत्तर प्रदेश नहीं समस्त देश के मतदाताओं को ध्यान से सुनना होगा। आज मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत सरकार को चेतावनी जारी की और उस चेतावनी में उन्होंने कहा कि
आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा कि भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में जो जीडीपी है अपना, उसके 100% ऊपर जा रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक होगा और लॉन्ग टर्म कर्ज चुकाने में इसमें बहुत दिक्कत होगी। भारत पर वर्तमान में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। यदि केंद्र और सरकार, राज्य सरकारों को देखें, तो केंद्र सरकार का इस कर्जे में 161.1 लाख करोड़ यानी 46.04% का शेयर है और राज्य सरकारें 50.18 लाख करोड़ 24% है, बाकी जो कर्जे हैं इधर उधर के हैं। कुल मिलाकर देश की स्थिति भयावह है। 2014 में जहां 54 लाख करोड़ कर्जा था, अब हमारे यहाँ कर्जा जो है वो 205 लाख करोड़ चढ़ गया। गोदी मीडिया लगातार ये बताने का प्रयास कर रहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से हमारा थोड़ा कर्ज बढ़ा हुआ आंकड़ा दिखता है। वो ये नहीं कह रहे कि रुपए की कीमत गिरने से आंकड़ा बड़ा दिखता है। वस्तु स्थिति यह है कि डॉलर बढ़ा नहीं, रुपया गिरा है। लेकिन भारत सरकार ये भी कहती है कि हमारा बहुत सारा कर्जा भारतीय रुपया में है, तो फिर डॉलर का इम्पैक्ट इस पर कैसा पड़ेगा? ये विसंगतियां हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कर्जे का इम्पैक्ट क्या होगा, चुनाव में जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं उसका क्या होगा, और उसके बाद जो मतदाताओं को भोगना पड़ेगा वो क्या होगा, इसका एक सुंदर उदाहरण मैं मध्य प्रदेश को लेके दे रहा हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हुए हारती हुई बीजेपी को जीती हुई बीजेपी बनाई। मोहन यादव अभी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें होश खपता है जब उन्होंने तिजोरी खाली देखी। मध्य प्रदेश में करीब करीब अब 3,31,000 करोड़ का कर्जा है, उसकी लिमिट और 15,000 करोड़ की है। स्थिति ये हो गई है कि मध्य प्रदेश में जब आचार संहिता लागू हो गई थी उसके बाद 15,000 करोड़ कर्जा लिया, और आज मध्य प्रदेश सरकार ने फिर 2,000 करोड़ के लिए एप्लीकेशन लगाई आरबीआई में, क्योंकि तनख्वाह देने की जगह नहीं। ऐसी स्थिति में जो नए घोषणाएं लुभावनी की हैं उसके बारे में तो मैं आता ही नहीं, लेकिन तिजोरी की खस्ता हालत देखते हुए नए मुख्यमंत्री ने तुरंत एक आदेश पारित करके, खास करके मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग में 38 विभागों की, 38 डिपार्टमेंट की, 38 मंत्रालय की, 38 विभागों की योजनाओं पर रोक लगाते हुए निर्देशित किया कि जिन योजनाओं पे, मतलब अब इन पे कुछ भी बगैर फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस पे कोई काम नहीं होगा, जो योजनाओं पे रोक लगी है उन योजनाओं का नाम ध्यान से सुनिएगा। महाकाल परिसर विकास योजना उज्जैन, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन, मैंने मेट्रो ट्रेन पे भी रोक है और ये बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करने की बात करते थे अब उस पर भी रोक लगी। इसके अलावा अपंजीकृत नॉन रजिस्टर्ड जो मजदूर थे निर्माण विभाग में लगे हुए, उनकी अंत्येष्टि या उनको अनुग्रह राशि देने की जो योजना थी वो समाप्त कर दी गई है। गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारी विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्ति के संधारण, स्कूल विभाग की निःशुल्क पाठ्य सामग्री के प्रदाय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय, एनसीसी के विकास एवं सुदृढ़ीकरण, जातीय कार्य विभाग से टंट्या भील मंदिर के जीर्णोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग के पीएम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित तमाम योजनाओं पर रोक लगी है।
इन्हीं योजनाओं को बोल बोल के मतदाताओं को लुभाया है, और जो लॉलीपॉप दिया है अभी उसका क्या, ये भी सुन लीजिए। लाडली बहना पात्र महिला को 1,000 रुपए दे के शुरुआत हुई थी, 1,30,00,000 महिला लाभार्थी हो गई। अब इसको हर महीना 1,250 रुपए देना है। इसका सरकार के मध्य प्रदेश की तिजोरी पे 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 400 रुपए में गैस सिलेंडर देना है। उज्ज्वला लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 280 करोड़ रुपए, मतलब 3,000 करोड़ साल का ये बोझ मध्य प्रदेश सरकार पे आने वाला है। किसान सम्मान राशि 4,000 से बढ़कर 6,000, 87,00,000 किसानों को लाभ। खजाने पे इसका 5,220 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बिजली सब्सिडी, अभी उपभोक्ताओं को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही है, इससे 6,000 करोड़ की सब्सिडी का बोझ सरकार पे पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि में करीब करीब 420 करोड़ का सालाना का बोझ है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि पुरानी योजनाएं बंद रखी हैं, और यदि इसमें बहुत इमरजेंसी हो तो वित्त विभाग से परमिशन से ही होगी, तो नई योजनाओं का क्या होगा, राज्य के कर्जों पर क्या होगा, या अब आने वाले 5 साल तक मध्य प्रदेश को सिर्फ लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया। इसीलिए मतदाताओं ने ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, वो अपने बाप की जमीन जायदाद बेच के नहीं देंगे, वो कर्जा लेके देंगे। कर्जे की भी लिमिट है। अब तो IMF ने भारत सरकार को चेताया है, और भारत सरकार अब राज्य सरकारों को चेताएगी। राज्य सरकार किसको चेताएगी? वो आपको दिया हुआ तमाम योजनाएं वापस करेगी। फिर 5 साल जब आप आओगे तो चुनाव के 1 साल पहले सारी योजनाएं शुरू होगी, फिर राज्य पे कर्जा बढ़ेगा, और आने वाले चुनाव में फिर नई योजनाओं का अनाउंसमेंट होगा। उसका लागू कैसा होगा ये मात्र महाकाल जाने। अब महाकाल जी के खुद के ऊपर भी काज गिर रही है। आप समझ सकते हो कि जिस देश में स्थिति ये हो आर्थिक, वो देश जब बड़ी बड़ी बातें करता है, हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, कर्जे में बनेंगे। हमारे यहाँ सरकार के अनाज पे जिंदा लोग, इनकी संख्या विश्व में 3rd नंबर पे होगी, हम ऐसे में 3rd नंबर बनेंगे। लेकिन सरकार है, जब बोलते हैं तो जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी प्रॉमिस करते हैं। पुराने प्रॉमिसेस यानी पुराने वादे निभाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को कर्जे में ठोक दिया है। यही हालत राजस्थान की है, यही हालत छत्तीसगढ़ की है, यही हालत तेलंगाना की है। उत्तर प्रदेश भी इससे बचा नहीं है। महाराष्ट्र की भी हालत बहुत बुरी है। तमिलनाडु भगवान भरोसे। ऐसा कोई राज्य नहीं इस देश में जो कहे कि मैं अभी कर्ज मुक्त हूँ। और इसे कहते हैं गुजरात का मॉडल। जब नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में केशुभाई पटेल से सत्ता ली थी, तब गुजरात पे नहीं के बराबर कर्जा था, और जब मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बन के आए तब गुजरात पे भी दबा के कर्जा चढ़ा था। कर्जा चढ़ा के दिवाली मनाना, यही गुजरात मॉडल है। देश भी यही कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो ग्रीस के साथ हुआ, जो लंका के साथ हुआ। ये डरा नहीं रहा हूँ, ये आंकड़े मेरे नहीं, सरकार। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा YouTube चैनल उल्टा चश्मा।